नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है अदम में। ऑनलाइन हम बात कर रहे थे नेट पीएचडी और जेआरएफ की रीजनिंग को लेके। हमने कल एक टॉपिक पढ़ा था युक्ति युक्त तर्क और निष्कर्ष वाले जो टॉपिक थे वो सारे पढ़े थे। तो कुछ क्वेश्चन किए थे। आज उसी को टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग नए क्वेश्चन के साथ में करेंगे, अलग टाइप के जो भी पैटर्न क्वेश्चन है वो करेंगे। बिना देरी किए हम जाते हैं सीधे क्वेश्चन पे। और अलग टाइप के क्वेश्चन कल हमने किए थे, दो निष्कर्ष कथन दो ही थे कल भी हमारे क्वेश्चन में और आज भी कथन दो ही है, मगर निष्कर्ष इस बार चार आ गए। और जहां पे हमने कूट जो है, कूट का मतलब होता है इनके आंसर या ऑप्शन, ये हमारे पास ये चार और आ गए। तो हम इसको देखते हैं, इनको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, कैसे इनको सॉल्व करेंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन जिसके दो निष्कर्ष नहीं, दो की जगह चार निष्कर्ष आ गए, तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे हम इनको करते हैं। चलिए, पहला कथन आपका कह रहा है सभी जादूगर महिलाएं हैं, सभी जादूगर है वो महिलाएं हैं। और दूसरा कथन है वो कह रहा है कि सभी महिलाएं क्रेजी है, सभी महिलाएं क्या है, क्रेजी है। तो इसका डायग्राम हम सबसे पहले बना देते हैं, उसके बाद हम जाएंगे निष्कर्ष पे। तो हम डायग्राम बनाते हैं, सभी महिलाएं हैं वो, सभी जादूगर है वो महिलाएं हैं। तो सबसे पहले तो एक जादूगर का गोला बना देते हैं, ये हमारे हो गए जादूगर, जादूगर हो गए। अब हम जाते हैं सभी महिलाएं क्या, सभी जादूगर क्या है, महिलाएं है। तो अब आ गई हमारी महिलाएं, महिलाएं तो हो गए, सभी जादूगर महिलाएं हो गई। फिर बोला है हमें कि सभी महिलाएं है वो क्या है, क्रेजी है। तो एक और गोला आएगा बड़ा और वो हो जाएगा क्रेजी का, ये हो गया क्रेजी। तीनों चीज हो गई, सबसे पहले सभी जादूगर महिलाएं, सभी जादूगर क्या है, महिलाएं है। फिर सभी महिलाएं है वो क्या है, क्रेजी है। सभी महिलाएं जो है वो क्रेजी हो गई। अब हम जाते हैं अपने निष्कर्ष पे। ये तो इस टाइप का इसका होगा डायग्राम। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें डायग्राम एक की जगह तीन या चार पॉसिबिलिटियां हो सकती है, वो हम क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे, अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे तब पढ़ेंगे। चलो, पहला निष्कर्ष है सभी जादूगर क्रेजी है, सभी जादूगर क्या है, क्रेजी है। सभी जादूगर है ये रहे, सभी जादूगर ये क्रेजी है, ये क्रेजी है। क्योंकि मैंने कल आपको कल वाली क्लास में एक चीज बताई थी, अंदर से जब बाहर की ओर आते हैं, अंदर से जब बाहर की ओर आते हैं तो सभी लगता है। तो जादूगर अंदर है और जा कर रहा है बाहर की ओर, क्रेजी वाले भाग पे जा रहा है, तो क्या लगेगा, सभी लगेगा। और जब बाहर से अंदर की ओर आते हैं, अगर क्रेजी यही बात क्रेजी को लेके कही होती तो कुछ क्रेजी है वो जादूगर है, कुछ क्रेजी है वो जादूगर है। बाहर से अंदर की ओर क्या लगेगा, कुछ लगेगा, ये बात मैंने कल आपको समझाई थी। तो चलते हैं, सभी जादूगर क्या है, क्रेजी है। तो सभी जादूगर है वो क्रेजी है, तो पहला तो सही है। फिर जाते हैं दूसरे पे, दूसरा क्या कहता है, दूसरा कह रहा है सभी क्रेजी जादूगर है। अब क्रेजी तो बाहर है, तो बाहर से अंदर की ओर हम जाएंगे, जब भी बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो सभी नहीं लगेगा, कुछ लगेगा, क्या लगेगा, कुछ। मगर यहाँ क्या लिखा है, सभी क्रेजी जादूगर है, तो यह बात हमारी गलत हो गई, यह निष्कर्ष गलत हो गया। अब जाते हैं कुछ क्रेजी है वो क्या है, जादूगर। तीसरा निष्कर्ष है वो क्या कह रहा है, कुछ क्रेजी जादूगर है। तो ये यहाँ से क्रेजी क्या बात, क्रेजी की बात आई है, क्रेजी जादूगर है, कुछ क्रेजी जादूगर, तो कुछ क्रेजी जादूगर है, ये बात सही है। यहाँ पे सभी क्रेजी था, यहाँ पे कुछ आ गया, तो यह गलत है और यह सही है। तो तीसरा निष्कर्ष सही है, पहला सही है, तीसरा सही है और दूसरा गलत है। अब चौथे पे जाते हैं, चौथा निष्कर्ष कह रहा है कुछ क्रेजी है वो महिला है। क्रेजी कहाँ है, क्रेजी वाला भाग बाहर का है और महिलाओं वाला बीच वाला है। तो बाहर से जब अंदर की ओर आएगा तो कुछ लगेगा, तो यह बात भी सत्य है। तो हमारा पहला दूसरा गलत है, तीसरा सही है और चौथा सही है। तो इन ऑप्शन में जो कूट दिए हुए उसमें हमारा ऑप्शन क्या जाएगा, एक तीन और चार, एक तीन और चार पहला है, ऑप्शन ए में केवल एक तीन और चार सही है। इस टाइप से इसके आंसर निकाल सकते हैं। समझ में आया ये क्वेश्चन किस टाइप का था, इसमें चार निष्कर्ष थे जिनको हमने सॉल्व किया और सभी कंडीशन सही से अप्लाई हुई। यह वाला गलत था क्योंकि यह बाहर से अंदर आ रहा था, तो सभी की जगह क्या लगेगा, कुछ लगेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, एक बार इस क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कुछ बक्से गोल होते हैं, कुछ बक्से गोल होते हैं। फिर दूसरा कथन कह रहा है सभी गोल गेंद है, सभी
सभी गोल है वो क्या है, गेंद है। कीजिए एक बार डायग्राम इसका बनाइए। कुछ बक्से क्या होते हैं, गोल होते हैं। फिर आ रहा है दूसरा, सभी गोल गेंद है। तो हम बनाते हैं इसका डायग्राम, सभी कुछ बक्से गोल है। तो ये हमने बक्से बना दिए, बक्से और कुछ क्या है, गोल होते हैं। कुछ बक्से गोल होते हैं, तो हमारा ये गोल हो गया, गोल हो गया। देखो बक्से है और ये गोल है, कुछ बक्से क्या है, गोल है। तो ये वाला भाग कुछ बक्से वाला गोल हो गया थोड़ा सा। अब हम जाते हैं, सभी गोल गेंद है, सभी गोल है वो क्या है, गेंद है। तो यहाँ पे गेंद आ गई, क्या आ गई, गेंद। सभी गोल है वो गेंद है। अब निष्कर्ष पे जाते, इस टाइप का इसका डायग्राम हो गया। अब हम जाते हैं निष्कर्ष पे, कुछ बक्से है वो क्या है, कुछ बक्से है वो गोल है, कुछ बक्से गोल है, कुछ बक्से गोल है। हमें पता है यहाँ पे कुछ बक्से गोल है, तो ये कुछ बक्से गोल है, गोल के अंदर आ रहा है ना इस ये वाला भाग, तो कुछ बक्से गोल है। फिर दूसरा हम देखते हैं, कुछ गेंद बक्से होते हैं, कुछ गेंद बक्से होते हैं, कुछ गेंद जो है वो बक्से है, क्योंकि ये भाग है इसमें बक्से और गोल का, क्योंकि ये सारी गोल जो थे वो क्या थे, गेंद थे। और जब ये वाला भाग भी इधर टच होगा तो क्या होगा, बक्से, कुछ गेंद बक्से होते हैं, कुछ गेंद बक्से होते हैं, तो कुछ गेंद भी बक्से होते हैं। फिर जाते हैं अगले पे, कुछ गेंद गोल है, कुछ गेंद गेंद गोल है, बाहर से अंदर की ओर जा रहा है तो कुछ कुछ लगेगा। तो यहाँ पे यह बात भी सही है, कुछ गेंद क्या है, गोल है, कुछ गेंद गोल है। फिर आया सभी गेंद गोल है, सभी गेंद गोल है, गोल बाहर है, अंदर जाएगा तो सभी नहीं आएगा, कुछ आएगा। तो यह वाक्य गलत है। तो एक दो और तीन, पहला दूसरा और तीसरा ऑप्शन में है हमारे पास, पहले में ही ऑप्शन ए में एक दो और तीन सही है। एक दो और तीन कहाँ पे सही है, ऑप्शन ए में। समझ में आया, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सभी पुस्तकें घड़िया है, सभी पुस्तकें घड़िया है, कुछ घड़िया चिप्स है, कुछ घड़िया चिप्स है। इसका डायग्राम कैसे बनेगा एक बार कोशिश कीजिए। सभी पुस्तकें घड़िया है, सभी पुस्तकें क्या है, घड़िया, और कुछ घड़िया है वो चिप्स है, कुछ घड़िया है वो चिप्स है। तो डायग्राम बनाइए इसका एक बार। चलिए, सभी पुस्तकें घड़िया है, तो हम सबसे पहले क्या बना देंगे, पुस्तक, और सभी पुस्तकें है घड़िया, तो ये बन गई घड़ी। सभी पुस्तकें घड़िया, कुछ घड़िया है वो चिप्स है, तो कुछ घड़िया है वो क्या है, चिप्स है, चिप्स का भाग हो गया। पुस्तक, घड़ी और चिप्स, मैं बताया कुछ घड़िया चिप्स है, कुछ घड़िया चिप्स है, और सभी पुस्तक घड़ी है, सभी पुस्तक घड़ी है। अब निष्कर्ष पे जाते हैं, पहला निष्कर्ष क्या कहता है, कुछ घड़िया किताबें है, कुछ घड़िया जो है वो क्या है, किताबें है। तो किताब और पुस्तक तो एक ही बात होती है, तो हम देखते हैं कुछ घड़िया किताबें है, घड़ी कहाँ है, ये रही, और पुस्तक यहाँ है। तो अंदर से जब बाहर आएगा तो क्या आएगा, क्या आएगा, कुछ ही लगेगा। तो कुछ लग रहा है यहाँ पे, कुछ घड़िया किताबें है, कुछ घड़िया किताबें है, पहला कथन निष्कर्ष तो हमारा सही है। फिर जाता है कोई घड़ी किताब नहीं है, कोई घड़ी है वो किताब नहीं है, तो ये तो बात पूर्णतया गलत है, क्योंकि घड़ी किताब है। अब जाते हैं कुछ किताबें चिप्स है, अब कुछ किताबें चिप्स है क्या, हमें कंडीशन में कहीं नहीं दिया हुआ कि चिप्स और पुस्तकों का रिलेशन हमें कथन में कहीं नहीं बताया गया है, तो हम इसको डायरेक्ट नहीं बता सकते। डायग्राम तो ये भी बन सकता है, ये पुस्तक हो गई, ये घड़ी हो गई, और ये हो गया चिप्स वाला, क्योंकि चिप्स और घड़ी का था, तो ये भाग बन सकता है, मगर इसमें क्लियर हमें नहीं बताया गया कि यह डायग्राम बनेगा, इसलिए हम इस डायग्राम को नहीं बनाकर ये बनाएंगे। कुछ किताबें चिप्स है, कुछ किताबें चिप्स नहीं है, क्योंकि हमें बताया नहीं गया है, तो यह भी गलत हो गया। फिर हम जाते हैं अगले पे, कोई पुस्तक चिप्स नहीं है, कोई पुस्तक है वो चिप्स नहीं है, हमें ये बताया थोड़ी गया है, इसमें चिप्स और किताब का रिलेशन नहीं बताया। अगर ये डायग्राम बनाते तो चिप्स हो सकते थे, और ये बनाते तो चिप्स नहीं हो सकते थे, तो हमें यहाँ पे क्लियर नहीं है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, जब तक स्थितियां क्लियर नहीं हो जाती,
रिलेशन हमारे सामने नहीं आ जाता तब तक हम इसको सही नहीं कह सकते। इसलिए सिर्फ ऑप्शन हमारा जाएगा वो जाएगा केवल एक सही है, ऑप्शन जाएगा बी केवल एक सही है। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन के दो डायग्राम हो सकते हैं, एक तो ये रहा और दूसरा जो मैंने ये बनाया था जहां पे इस टाइप से देखिए इसका दूसरा डायग्राम ऐसे भी हो सकता है। ये हो गया पुस्तक का, फिर ये हो गई घड़ी और ये हो गए चिप्स। हमें क्या बताया कुछ घड़ी चिप्स है, तो ये घड़ी वाला भाग ले लिया, इसमें पुस्तक भी आ गई, ये हो गए चिप्स। तो ये डायग्राम भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मगर जब इन क्वेश्चन हम निष्कर्ष पे जाते हैं तो हमें ज्यादातर ये दिखेगा, क्योंकि कथन में हमें घड़ी और चिप्स का ही रिलेशन बताया गया है। कथन में हमें सिर्फ घड़ी और चिप्स का रिलेशन बताया गया है, इसलिए हम सिर्फ हमारा उत्तर जो आएगा वो जाएगा ऑप्शन एक सही है, जो ऑप्शन बी में है। चले अगले क्वेश्चन पे, देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कुछ टेबल टीवी है, फिर कथन दूसरा कह रहा है कुछ टीवी रेडियो है, तो बनाइए इसका डायग्राम कैसे बनेगा। सबसे पहले हमें बताया गया है कुछ टेबल है वो क्या है, टीवी है, तो हम सबसे पहले टेबल बना देते हैं। ये टेबल हो गया, कुछ टेबल क्या है, टीवी है, तो ये हमारे टीवी बन गए। फिर कुछ टीवी है वो रेडियो है, तो कुछ टीवी है वो रेडियो है। रेडियो हो गए, कुछ टीवी, ये हमारा हो गया डायग्राम, क्योंकि इसके अलावा तो हमें कुछ चीजें इसमें बताई नहीं गई। सबसे पहले टीवी और टेबल का रिलेशन है, फिर टेबल और टीवी और रेडियो का है, तो इस टाइप से इसका डायग्राम बनेगा। अब जाते हैं हम निष्कर्ष पे। पहला निष्कर्ष हमें कह रहा है कुछ टेबल रेडियो है, कुछ टेबल रेडियो है, टेबल है ये रहे, ये रेडियो है, इन दोनों में कोई संबंध नहीं है, तो हम इसको नहीं बता सकते। तो पहला तो गलत हो गया, पहला हो गया हमारा गलत। फिर दूसरे पे जाते हैं, कुछ रेडियो टेबल है, कुछ रेडियो टेबल है, रेडियो और टेबल के बीच में भी कोई बात या कोई रिलेशन नहीं बताया गया, तो ये भी गलत हो गया। पहला बताया था टेबल और रेडियो के संबंध में इनका कोई संबंध है, तो इनका कोई संबंध नहीं है। फिर बताया रेडियो और टीवी टेबल के बीच में, तो इनका भी कोई संबंध नहीं है। तीसरे पे जाते हैं, सभी रेडियो टीवी है, सभी रेडियो टीवी है, हमें बताया कि कुछ टीवी रेडियो है, तो कुछ रेडियो भी टीवी हो सकते हैं, सभी नहीं हो सकते, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि ये वाला भाग ही रेडियो और टीवी का मिक्स में है, सभी का नहीं है। अगर सभी का होता तो टेबल का भी रिलेशन आपस में बन जाता। फिर लास्ट वाला जो है वो सभी टीवी जो है वो टेबल है, सभी टीवी टेबल है क्या, कहीं नहीं दिख रहा है। यहाँ पे तो सिर्फ कुछ और कुछ की बातें हुई है, कुछ और कुछ की बातें हुई है, हमें सभी की तो बातें ही नहीं हुई कहाँ पे भी, तो यह भी गलत है। तो चारों के चार जब गलत होंगे तो कूट में देखेंगे कि हमारा आंसर क्या जाएगा। पहला कह रहा है केवल एक और दो तीन सही है, ये गलत है। केवल दो और चार सही है, ये भी गलत है। सभी सही है, ये भी गलत है। ऑप्शन डी जाएगा, कोई भी सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा कोई भी आंसर सही नहीं है या कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है हमारा ये रहा आपके सामने, कुछ खरगोश भालू है, कुछ खरगोश क्या है, भालू है, कोई बकरी भालू नहीं है, कोई बकरी भालू नहीं है। अब ये आपके पास में पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन है, इसको हम कैसे करेंगे, इसमें पॉसिबिलिटी बनेगी आपकी, इस क्वेश्चन को करने बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। कुछ खरगोश क्या है, भालू है, तो हम सबसे पहले बना देते हैं इसका डायग्राम। खरगोश क्या है, भालू है, ये हो गए भालू। अब हमें कोई बकरी भालू नहीं है, कोई बकरी भालू नहीं है, तो ये वाला भालू वाला है, तो यहाँ पे हम करेंगे तो ये रही बकरी, ये बकरी हो गई हमारी, कोई बकरी भालू नहीं है, तो बकरी और भालू का कोई संबंध नहीं है। इस टाइप से एक तो डायग्राम बनेगा। अब जाते हैं निष्कर्ष पे, जब निष्कर्ष देखेंगे तो हमारे पास डायग्राम के ऑप्शन बढ़ जाएंगे।
कि जो हम वेन आरेख बना रहे हैं इन आरेखों के हमारे पास ऑप्शन बढ़ जाएंगे। तो हमें देखना है पहला निष्कर्ष, कुछ खरगोश बकरियां नहीं है। अभी आप बताया कुछ खरगोश जो है वो बकरियां नहीं है, कुछ खरगोश बकरियां नहीं है। बताइए खरगोश और बकरी का रिलेशन हमें पता नहीं है, कुछ खरगोश बकरियां नहीं है। हो सकता है भालू इधर है तो भालू का बकरी के साथ साथ में संबंध नहीं है, मगर डायग्राम तो ये भी हो सकता है। ये हो गई बकरी, ये हो गया हमारा खरगोश वाला भाग, और ये हो गया भालू। तो कोई बकरी भालू नहीं है, नहीं है। और हमें ये बताया गया कि कुछ खरगोश है वो क्या है, भालू है। तो कुछ खरगोश भालू हो गए और बकरी और भालू का संबंध नहीं है। इस हिसाब से हम देखें तो कुछ खरगोश बकरी नहीं है, तो ऐसे तो बकरी बन सकते हैं कुछ खरगोश, तो इसको हम पेंडिंग रखते हैं। पॉसिबिलिटी इसकी बन रही है एक ऑप्शन की, हाँ भी हो सकता है ना भी हो सकता है। जैसे ही हम निष्कर्ष पढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे जाएंगे तो हमें सही उत्तर मिलता जाएगा। फिर दूसरा जो ऑप्शन है, सभी खरगोश बकरियां है, सभी खरगोश है वो बकरियां है, सभी खरगोश बकरियां है। अब सभी खरगोश बकरियां कभी नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते? अगर सभी खरगोश जो है वो बकरियां बन गए तो हमें यहाँ पे भालू के जो भाग है उसमें भी बकरियां कुछ चली जाएगी, ये वाला भाग जो है उसमें बकरियां आ जाएगी। और हमें क्वेश्चन में बताया कि कोई भी बकरी भालू नहीं है, तो यह वाला तो पूर्णतया गलत है, इसको हमने पेंडिंग रखा है। क्यों रखा है पेंडिंग वो भी मैं आगे बताऊंगा। फिर जाते हैं दूसरा ऑप्शन हमारे पास गलत हो गया। अब जाते हैं कुछ बकरियां खरगोश नहीं है, कुछ बकरियां है वो खरगोश नहीं है। तो हमने ये डायग्राम बनाया था, कुछ बकरियां है वो खरगोश नहीं है, तो ये वाली बकरियां खरगोश नहीं है, खरगोश वाली बकरियां सिर्फ इतनी ही है। तो हम आगे देखते हैं, तो इसको भी पेंडिंग रखते हैं क्योंकि ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। फिर जाते हैं लास्ट में, सभी बकरियां खरगोश है, सभी बकरियां खरगोश है, तो एक और डायग्राम की पॉसिबिलिटी बढ़ गई है। कैसे बनेगा देखिए, सबसे पहले ये खरगोश का भाग आ गया, यहाँ पे हमने लिख दिया खरगोश, फिर यहाँ पे आ गई बकरियां, ये आ गई बकरियां, बकरी हो गई, और ये वाला जो भाग हो गया वो हो गया भालू का। तो देखो पहला डायग्राम तो ये वाला हमने बनाया था, दूसरा ये बनाया और तीसरा ये वाला। अब इसमें कैसे है, देखो खरगोश और भालू का रिलेशन है, कुछ खरगोश है वो क्या है, भालू है, तो ये वाला भाग हो गया। अब बताया गया दूसरा, कोई बकरी भालू नहीं है, तो कोई बकरी भालू नहीं है, इनके बीच संबंध नहीं है, तो यह भी हो सकता है। अब हम जाते हैं देखो ऑप्शन में, हम देखेंगे केवल एक सही है, तो केवल तो नहीं है, दूसरा है केवल दो, तीसरा सही है, ये भी गलत है, या तो एक या दो सही है, यह भी गलत है, क्योंकि दूसरा तो पूर्णतया गलत था। अब लास्ट वाला जो ऑप्शन है, या तो तीन या चार या फिर एक, तीन चार और एक सही है, या तो मतलब कोई भी एक पॉसिबिलिटी तीनों में से, पहली कंडीशन में ये सही था, दूसरी कंडीशन में ये और तीसरी कंडीशन में ये, तो इन तीनों में से कोई भी एक सही हो सकता है, ये बात तो प्रूफ है ना, तीनों में से एक सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ है डी ऑप्शन, तीनों में से एक कोई भी सही है, तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में तीन चार डायग्राम बन सकते हैं, हमने तीन डायग्राम बनाए। आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको वापस करवा दूंगा ये क्वेश्चन। तीन तीन पॉसिबिलिटियां बनी, एक तो ये वाली बनी, एक ये वाला, ये खरगोश भालू और ये बकरी, इधर बकरी खरगोश और भालू, इस टाइप से हमारे तीन पॉसिबिलिटियां बन गई। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कोई सिस्टम डेस्क नहीं है, कोई सिस्टम है वो क्या है, डेस्क नहीं है। फिर कहते हैं सभी डेस्क किताबें हैं, सभी डेस्क क्या है, किताबें हैं। बताइए इसका डायग्राम बनाइए जल्दी से, क्या हो सकता है सही आंसर, ए बी सी और डी, चारों में से कौन सा सही होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए इसका हम डायग्राम बनाते हैं, कोई सिस्टम डेस्क नहीं है, तो हमें सबसे पहले डेस्क बना दे या सिस्टम, कोई सिस्टम, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे सिस्टम, ये बन गया। अब सिस्टम और डेस्क का कोई संबंध नहीं, तो इनको अलग अलग कर देते हैं, ये हो गया डेस्क, ये हो गया डेस्क। फिर हमें बताया गया सभी डेस्क है वो किताबें है, तो सभी डेस्क क्या है, किताबें है, ये हो गई किताब, सभी डेस्क किताबें हो गई। अब हम चलते हैं निष्कर्ष पे,
पहला निष्कर्ष हमारा क्या कहता है, कुछ सिस्टम किताबें हैं, कुछ सिस्टम क्या है, किताबें हैं, कुछ सिस्टम किताबें हैं क्या, हमें यहाँ तो नहीं बताया गया क्योंकि किताब और डेस्क का संबंध नहीं था, तो क्लियर नहीं है, क्लियर हम नहीं कह सकते कि यही होगा, इसको हम ना कर देते हैं। अब दूसरा देखते हैं, कुछ सिस्टम किताबें नहीं है, कुछ सिस्टम किताबें नहीं है, सिस्टम और किताबों का रिलेशन इस वाली चीज में हमें बताया ही नहीं गया है क्योंकि डेस्क और किताब का बताया है, तो यह भी गलत होगा, यह भी गलत होगा। फिर जाते हैं, कुछ किताबें सिस्टम है, कुछ किताबें सिस्टम है, किताब और सिस्टम तीनों में हमें किताब और सिस्टम का ही पूछा है और किताब और सिस्टम का हमें रिलेशन पता नहीं है, तो यह भी गलत होगा। फिर बताया गया कि कुछ किताबें सिस्टम नहीं है, कुछ किताबें क्या है, सिस्टम नहीं है, इस बात को हम प्रूव कर सकते हैं, कुछ किताबें वो सिस्टम नहीं है। देखिए यहाँ पे हमारे ये डेस्क वाला जो भाग है, डेस्क वाला ये क्या है, कुछ किताबें ही है, किताबों के अंदर है, इसका मतलब है कुछ किताबें, और यहाँ पे बताया गया कुछ किताबें सिस्टम नहीं है, ये सिस्टम और डेस्क का कोई रिलेशन नहीं है, तो ये वाला भाग है वो सिस्टम नहीं है, मतलब कुछ किताबें सिस्टम नहीं है, ये बात प्रूफ है, ये बात प्रूफ के साथ सही है, तो ऑप्शन जाएगा चौथा सही है, मतलब जाएगा ऑप्शन बी जाएगा इसका सही उत्तर, क्या जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि डेस्क क्या है, कुछ किताबों का भाग है, डेस्क जो है वो क्या है, किताबों का थोड़ा सा भाग है, हमें यही बताया गया कि कुछ किताबें सिस्टम नहीं है, और सिस्टम और डेस्क का कोई रिलेशन नहीं है, किताबें क्या है, डेस्क जो भाग है और किताब है वो डेस्क का ही भाग है, इसलिए हमें यह बात प्रूफ होती है कि चौथा आंसर हमारा होगा वो सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, सभी शाखाएं फूल है, सभी शाखाएं है वो फूल है, फिर दूसरा कह रहा है सभी फूल है वो पेड़ है, सभी फूल है वो पेड़ है, अब इसका डायग्राम बनाइए, सभी शाखाएं क्या है, फूल है, तो सभी शाखाएं बना देते हैं हम लोग, शाखा सभी शाखाएं है वो फूल है, तो ये हो गया हमारा फूल, सभी शाखाएं फूल हो गई, सभी फूल क्या है, पेड़ है, सभी फूल है वो पेड़ है, सभी फूल है वो क्या है, पेड़ है, सभी फूल क्या है, पेड़ है, तो अब इन निष्कर्ष को पढ़िए और आंसर बताने की कोशिश कीजिए कि कौन सा आंसर इसका सही होगा, बताइए कौन सा आंसर इसका सही होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। सबसे पहले हमें बताया सभी शाखाएं क्या है, फूल है, सभी शाखाएं फूल हो गई, फिर दूसरा है सभी फूल है वो पेड़ है, सभी फूल है वो पेड़ है, तो हम जाते हैं निष्कर्ष पे, सभी शाखाएं वृक्ष है, अब वृक्ष और पेड़ तो सेम होता है, एक ही होता है, वृक्ष और पेड़ एक ही होता है, इनमें कंफ्यूजन मत होना कि यहाँ पे पेड़ आ गया यहाँ पे वृक्ष आ गया, वृक्ष और पेड़ एक ही होता है, तो सभी शाखाएं है, सभी शाखाएं है वो पेड़ है, मैंने बताया था अंदर से बाहर की ओर मतलब सभी लगेगा, इसका मतलब यह बात सही है, सभी शाखाएं पेड़ है क्योंकि पेड़ों के अंदर ही शाखाएं है, इसलिए यह बात सही है। फिर दूसरे पे जाते हैं, सभी पेड़ शाखाएं है, सभी पेड़ शाखाएं है क्या, सभी पेड़ शाखाएं है, बाहर से अंदर जाएंगे तो क्या लगेगा, कुछ लगेगा, यहाँ पे आता कि कुछ पेड़ शाखाएं है तब ये बात सही होती, मगर यह लिखा है कि सभी पेड़ शाखाएं है, इसका मतलब ये बात गलत है। फिर जाते हैं सभी फूल शाखाएं है, अभी सभी फूल शाखाएं हैं, फूलों से हम शाखाएं पे जाएंगे तो कुछ फूल शाखाएं हो सकती है, मगर सभी फूल शाखाएं नहीं है, तो यह भी गलत है। फिर जाते हैं कुछ पेड़ शाखाएं हैं, अब अंदर से जब बाहर, बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो कुछ लगेगा, और यहाँ पे लगा कुछ का मतलब यह बात सही है, यह बात याद रखना, अंदर से बाहर की ओर जाए, अंदर से बाहर मतलब लगेगा सभी, ये बार बार बातें आ रही है, ये क्वेश्चन का पैटर्न बार बार आता है, क्योंकि हमें अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जाना पड़ता है, और जब अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जाएंगे, बाहर से अंदर की ओर तो लगेगा हमेशा कुछ लगेगा, ये दो चीजें तो हमेशा याद रख लेना, इस कॉन्सेप्ट को, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमें कुछ और सभी को निकालना जरूर आना चाहिए, अंदर से जब बाहर जाएंगे तो कुछ और बाहर से अंदर आएंगे तो कुछ और अंदर से बाहर जाएंगे तो सभी, ये बात याद रखना। तो हमारे ऑप्शन कौन कौन से सही हुए, एक तो पहला हुआ और एक चौथा हुआ, तो
तो पहला और चौथा ऑप्शन किस में है? ऑप्शन ए में है। तो इसका सही आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और चौथा पालन करते हैं, पहला और चौथा पालन करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, कुछ बैग पॉकेट है, कोई पॉकेट थैली नहीं है, कोई पॉकेट है वो थैली नहीं है, तो इसका बताइए क्या होगा सही आंसर। का डायग्राम बनाइए पहले, कुछ बैग पॉकेट है और कोई पॉकेट थैली नहीं है। चलिए का डायग्राम क्या होगा, सबसे पहले कुछ बैग पॉकेट है तो हम बना देते हैं यहाँ पे बैग। अब बैग क्या है, कुछ बैग है वो क्या है, पॉकेट है, तो ये पॉकेट हो गए हमारे। कुछ बैग पॉकेट हो गए, फिर बताया कोई पॉकेट थैली नहीं है, कोई पॉकेट थैली नहीं है, तो थैली इनसे अलग हो जाएगी, ये हो गई थैली, ये हो गई हमारी थैली। चलिए कुछ बैग है वो पॉकेट है, कुछ बैग पॉकेट है, कोई पॉकेट थैली नहीं है, तो इनका संबंध कुछ भी नहीं है, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। अब हम देखते हैं निष्कर्ष पे, कोई बैग थैली नहीं है, कोई बैग थैली नहीं है, कोई बैग थैली नहीं है, हमें बताया गया है क्या इस बात में कहीं पे भी थैली और बैग का संबंध? थैली और बैग का अगर क्वेश्चन में कहीं नहीं बताया गया तो ये बात तो हम इसको निकाल भी नहीं सकते, इसका मतलब ये गलत है। फिर जाते हैं कुछ बैग थैली नहीं है, कुछ बैग है वो थैली नहीं है, कुछ बैग थैली नहीं है, इस बात को हम प्रूफ कर सकते हैं क्योंकि यह वाला भाग है। यहाँ पे हमें एक चीज बताई गई थी क्वेश्चन में, ये देखो कि कोई पॉकेट थैली नहीं है, कोई पॉकेट जो है वो थैली नहीं है, अगर कोई पॉकेट थैली नहीं है मतलब ये पॉकेट वाला भाग है, ये वाला जो भाग है वो पूरा पूरा पॉकेट का भाग है। अगर बैग के अंदर थैली चली भी जाए यहाँ पे तो हमें क्या होगा, ये वाला भाग है जो बैग का, इसमें तो हमें पॉकेट तो नहीं आ सकते, इसका मतलब कुछ बैग है वो थैली नहीं है, ये जो बैग का भाग है इसमें तो थैली कभी नहीं आ सकती, तो यह बात तो सही है। फिर जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, कुछ पॉकेट बैग है, कुछ पॉकेट है वो बैग है, तो ये बात तो हमें बताई गई है, कुछ पॉकेट है वो बैग है, ये रहे कुछ पॉकेट बैग, तो ये बात भी सही है। तो पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही है। अब जाते हैं चौथे पे, कोई पॉकेट बैग नहीं है, कोई पॉकेट बैग नहीं है, मगर हमें क्वेश्चन में बताया कि कुछ बैग वो है पॉकेट है, तो कुछ पॉकेट भी बैग होंगे, तो यह भी गलत है। दूसरा और तीसरा इसमें सही है, दूसरा और तीसरा ऑप्शन अगर सही है तो ऑप्शन जाएगा इसका ए, बी 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 जाएगा इसका सही आंसर, क्योंकि दूसरा और तीसरा है इसमें आंसर। चलिए अगले पे जाते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़िए, सभी राजनेता ईमानदार है, सभी ईमानदार निष्पक्ष है, सभी राजनेता ईमानदार है और सभी ईमानदार है वो क्या है, निष्पक्ष है, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? डायग्राम आपको बनाने आने चाहिए, कैसे बनेगा इसका डायग्राम? सभी राजनेता है वो ईमानदार है, सभी का मतलब पता है ना, सभी राजनेता ये हो गए राजनेता, सभी राजनेता क्या है, ईमानदार है, ये हो गया ईमानदार, राजनेता ईमानदार है। फिर हमें बताया गया है कि सभी ईमानदार है वो क्या है, निष्पक्ष है, ये हम लिख देते हैं निष्पक्ष, सभी ईमानदार है वो निष्पक्ष है। अब हम देखते हैं निष्कर्ष पे, कुछ ईमानदार राजनेता है, अब यहाँ पे लिखा हुआ कुछ ईमानदार है वो राजनेता है, ईमानदार कहाँ है, बाहर है, बाहर से अंदर जाएंगे तो कुछ लगेगा, मतलब सही बात है, ईमानदार है वो क्या है, राजनेता है। अब दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं, क्या कहता है आपका, कोई ईमानदार राजनेता नहीं है, जब दोनों बातें पॉजिटिव हो, यहाँ पे सब है, यहाँ पे भी सब है और यहाँ पे डायरेक्ट नेगेटिव सेंटेंस आ गया, तो इसको तो हम डायरेक्ट ही बाहर निकाल सकते हैं, मगर एक बार फिर से देख भी लेते हैं, कोई ईमानदार राजनेता नहीं है, कोई ईमानदार राजनेता नहीं है क्या, यहाँ पे लिखा हुआ ना कुछ ईमानदार राजनेता है, तो ये बात गलत हो गई। फिर जाते हैं अगले पे, कुछ निष्पक्ष
राजनेता है, अब निष्पक्ष है बाहर, राजनेता है अंदर, और बाहर से जब अंदर जाएंगे तो कुछ लगेगा, कुछ लगेगा और कुछ लगेगा, तो यह बात सत्य हो जाएगी। कुछ निष्पक्ष है वो क्या है, राजनेता है। फिर जाते हैं सभी निष्पक्ष राजनेता है, बाहर से अंदर जाएंगे तो सभी नहीं लगेगा, तो यह बात गलत है, यहाँ पे सिर्फ कुछ लगेगा। तो पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा जब ऑप्शन में हम देखते हैं तो पहला और तीसरा ऑप्शन में जाएगा हमारे पास डी में, तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, बताइए इसका। अब ये दो वापस, ये हमने पढ़ लिए चार वाले, चार निष्कर्ष वाले, अब वापस आ गए हमारे पास दो निष्कर्ष वाले, इनका बताइए, ये ज्यादा हार्ड नहीं होते, चार के कंपैरिजन में इनको देखे तो इनको ज्यादा हार्ड नहीं कहा जा सकता। देखिए, कुछ चारपाई मेज है, सभी फर्नीचर मेज है, अब बताइए इसका सही आंसर। कुछ चारपाई है वो क्या है, मेज है, कुछ चारपाई, ये हो गया चारपाई, कुछ चारपाई जो है वो क्या है, मेज है, ये हो गए मेज। फिर आगे हमें बताया गया सभी फर्नीचर है वो मेज है, अब सभी फर्नीचर है वो मेज है, मतलब फर्नीचर इसके अंदर आ जाएगा, ये हो गया फर्नीचर, फर्नीचर हो गया, मेज के अंदर है, क्योंकि सभी फर्नीचर है वो मेज है, तो हम सभी फर्नीचर ऐसे ही बनाते हैं ना, पहले फर्नीचर लिखते हैं, फर्नीचर लिखा उसके बाद लिखते हैं मेज, तो हमने ऐसे ही बनाया है इसको। चलते हैं अब निष्कर्ष पे, निष्कर्ष क्या कहता है, निष्कर्ष हमारे कह रहे हैं कुछ फर्नीचर चारपाई है, कुछ फर्नीचर चारपाई है क्या, हमें क्वेश्चन में कहीं नहीं बताया गया कि फर्नीचर और चारपाई का संबंध है, क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं बताया गया, तो इसका मतलब यह वाक्य गलत है। हमें अगर क्वेश्चन में अगर ऐसी कंडीशन ही नहीं दी गई इन दोनों के बीच में संबंध बनाने की, तो हम कैसे बना सकते, रिलेशन बनेगा ही नहीं। फिर देखते हैं अगले पे, कुछ चारपाई फर्नीचर है, कुछ चारपाई फर्नीचर है, देखो यहाँ पे फर्नीचर और चारपाई, इनका इनका मतलब इन दोनों का तो रिलेशन ही नहीं है, तो यह भी गलत होगा दोनों, क्योंकि फर्नीचर साइड में रह लिया, मेज और चारपाई का अगर संबंध हमें बताया बताना होता तो हम बता सकते कि कुछ मेज है वो चारपाई है, या फिर ऐसे बता सकते कि कुछ मेज है वो क्या है, फर्नीचर है, या सभी फर्नीचर है वो मेज है, ऐसे कह सकते थे, तो हमें यह भी गलत हो गया, तो दोनों गलत है, तो क्या जाएगा ऑप्शन, न तो निष्कर्ष एक और न ही निष्कर्ष दो सत्य है, ऑप्शन जाएगा इसका सी, ये जो आंसर है वो जाएगा सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, सभी खेल रोचक है, सभी खेल रोचक है, सभी रोचक इंडोर है, सभी खेल रोचक है और सभी रोचक इंडोर है, बनाइए इसका डायग्राम। हमने आगे किए थे इस टाइप के दो तीन क्वेश्चन किए हुए, राजनेता वाला भी किया था, वही वो भी इसी टाइप का था, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सभी खेल है वो क्या है, रोचक, सबसे पहले हम खेल बना देते हैं, खेल, सभी खेल है वो क्या है, रोचक है, सभी खेल रोचक हो गए, फिर सभी रोचक है वो इंडोर है, यहां पे आ जाएगा डोर, खेल है वो इंडोर है। तो अब निष्कर्ष पे जाते हैं, पहला निष्कर्ष हमारा कह रहा है कि सभी खेल रोचक है, सभी खेल रोचक है अंदर से बाहर, मतलब सही सही है, अंदर से बाहर मतलब सभी लगेगा और सभी लग रहा है, मतलब यह सही है, पहला सॉरी दूसरा सही, पहला सही है। फिर जाते हैं कुछ इंडोर रोचक है, कुछ इंडोर रोचक है बाहर से अंदर की ओर, मतलब कुछ, तो यह बात भी सही है, दोनों बातें सही है, पहले खेल का बताया, खेल अंदर से बाहर आ रहा है मतलब सभी लगेगा, और इंडोर है वो, इंडोर की बात हुई, सेकंड वाले में इंडोर रोचक क्या है, कुछ है अंदर से बाहर जा रहा है, पहला तो सभी लगेगा और बाहर से जब अंदर आएगा तो कुछ लगेगा, तो दोनों ही कंडीशन, दोनों ही निष्कर्ष सही है, जब दोनों ही निष्कर्ष सही होंगे तो ऑप्शन हमारा जाएगा वो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर चार जाएगा इसका सही आंसर। चले अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन आपका है, कुछ पुस्तकें पिक्चर है, पुस्तकें है वो क्या है, पिक्चर है,
और कोई पिक्चर रंगीन नहीं है, कोई भी पिक्चर है वो रंगीन नहीं है। तो यह डायग्राम हम पहले बना चुके हैं, बकरी और भालू वाला जब हमने बनाया था तो वो इसी टाइप का था। चलिए कुछ पुस्तकें हैं वो पिक्चर है, हम बना देते हैं पुस्तकें, ये हो गए पिक्चर। अब हमें बताया गया कि कोई पिक्चर रंगीन नहीं है, तो पिक्चर और रंगीन का कोई संबंध नहीं है, कोई पिक्चर रंगीन नहीं, तो इन दोनों का संबंध नहीं है। पुस्तकों के मामले में अगर पॉसिबिलिटी बताने की बात आएगी, क्या पुस्तकें रंगीन हो सकती है, तो पुस्तकें रंगीन हो सकती है, मगर सभी पुस्तकें रंगीन हो सकती है, सभी पुस्तकें रंगीन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि तो सभी पुस्तकों में पिक्चर का कुछ भाग आ जाएगा, और पिक्चर का कोई भाग आ गया तो पिक्चर और रंगीन का संबंध नहीं है। ये हमें बताया गया है कि सभी पुस्तकें रंगीन नहीं हो सकती, मगर कुछ पुस्तकें रंगीन हो सकती है, या सभी रंगीन है वो पुस्तकें हो सकती। ये वाला डायग्राम इसके अंदर यहाँ पे फिट हो सकता है, या फिर ये वाला डायग्राम ऐसे फिट हो सकता है, ऐसे कर सकते हैं, मगर इसको इसके बराबर नहीं कर सकते, वरना ये पिक्चर में चला जाएगा। अब निष्कर्ष को देखते हैं, कोई पुस्तक रंगीन नहीं है। अब कोई पुस्तक रंगीन नहीं है, ये हम कैसे बता सकते हैं कोई पुस्तक रंगीन? अगर ये रंगीन इधर आ जाए, यहाँ पे मैं लिख दूं रंगीन, तो हमें क्या बता सकते हैं? अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता नहीं है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर संभावना पूछते, क्या पुस्तकों के रंगीन होने की संभावना है, ऐसे अगर आ जाता तो यह बात पूर्णतया सही होती, मगर यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट बता दिया कि कोई पुस्तक रंगीन नहीं है। रंगीन क्यों नहीं है? हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो इसको पेंडिंग रखते हैं। अगर दूसरा सेंटेंस इसके कंपैरिजन में उल्टा आया तो दोनों में से एक सही हो सकता है। दूसरा हम देखते हैं निष्कर्ष, कुछ पिक्चर है वो रंगीन है, कुछ पिक्चर रंगीन है, कैसे होगा? यहाँ पे बताया कोई पिक्चर रंगीन नहीं है, तो क्या हो ही नहीं सकता इसके बीच संबंध? तो दोनों ही गलत है, और दोनों ही गलत है तो कौन सा आंसर जाएगा? ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो सत्य है, तो ऑप्शन जाएगा इसका सी आंसर है वो सही जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सभी पुस्तक काली है, कोई काला सफेद नहीं है, बनाइए इसका डायग्राम। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, एक तो ये रहा, फिर इसका भी होमवर्क, ये भी होमवर्क के काम आएगा आपके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ कप गिलास है, सभी गिलास चम्मच है, तो बताइए इनमें से कौन कौन सा आंसर इसका सही हो सकता है? स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और कमेंट बॉक्स में इनके आंसर बताना है, ए बी सी और डी, जो भी हो सकता है वो। और लास्ट वाला है आपके लिए, कोई मशीन हरी नहीं है, कोई मशीन है वो हरी नहीं है, फिर है सभी हरे तौलिए हैं, तो निष्कर्ष इसका निकल रहा है कोई मशीन तौलिया नहीं है, फिर दूसरा निष्कर्ष है सभी मशीन तौलिया है। अब कौन सा इसका सही आंसर होगा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताना। आपकी क्लास आज इतने ही क्वेश्चन करवाएंगे, और आगे इसी टाइम पे आपको दूसरे टॉपिक के साथ नई क्लास मिलेगी, तो आप जुड़े रहिए अदम्य अकेडमी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।